भाई अगले पार्सल दे दिया है और यहाँ से पिकअप देखते हैं। भाई साहब 20 किलोमीटर दिखा रहा बोलो ना दोनों साइड है। हेलो दोस्तों, बात करते ही भाई आपसे वार्तालाप खत्म करी थी कि भाई एक बजिया हमारा को गुड़गावा 58,513 रुपए का है भाई। पार्सल मन मुताबिक फिर वो निकले तो एक्स्ट्रा बढ़ाऊ, एक्स्ट्रा बढ़ाए तो कस्टमर मान जाए। देखते हैं क्या है पार्सल में। इसको कहाँ के लेके जाऊंगा मैं तो मर जाता। मैं भाई साहब बचा लिया तूने मेरी आवाज ऐड कर देती भाई, इसे कैंसिल करना पड़ेगा भाई। फर्स्ट फ्लोर तक ही अलाउड होता है, हालत तो हमारी खराब होती है ना चढ़ के। अरे बाप तो भाई वेलकम बैक टू वाई थ्री रेडिंग ब्लॉग। अभी भाई टाइम हो रहा है 11:28 और एक पोर्टर में पार्सल मिला है हमें 242 रुपए का, सोना पब्लिक स्कूल श्यामपुर भाई रोहनी साइड ही है ना, ज्यादा नहीं अपनी कॉलोनी से ही है भाई, मिलता है कस्टमर के पास। हाँ जी लोकेशन पे खड़ा है एसआईसी हॉस्पिटल के पास। हाँ लाओ क्वेश्चन डाला हुआ है सोना पब्लिक स्कूल। हाँ हाँ क्योंकि ये गैस है ना। हाँ वो बाइक खड़ी है। हाँ इसलिए आगे राइट हैंड लेफ्ट हैंड में स्कूल है। हाँ राइट हैंड में खड़ी है। अच्छा उसमें ना ये नंबर पे फोन कर लीजिए। पेमेंट वही करेगा। पेमेंट नहीं नहीं दूसरा नंबर है भाई, अगले पार्सल दे दिया है और यहाँ से पिकअप देखते हैं। भाई साहब 20 किलोमीटर दिखा रहा बोलो ना दोनों साइड है, अंदर से भी तो है कोई रास्ता, मैंने देखा तो था पर कितने किलोमीटर पड़ता है मेरे बीसी दिखा दे रहा है इतना चल रहा खुले खुले दे तो भाई साहब ऐसे तो छोड़ देखते हैं अभी बाकी किस्मत कहाँ ले जाती है। मिलते हैं भाई ड्रॉपर मिलता है पार्सल के साथ। हाँ तो गया था भाई लोकेशन पे, ये तो वही है अब यही नंबर दिया क्या था उसने भी अपना नंबर डाल दिया ड्रॉप पर भी। कितना टाइम हो गया अब 12:00 आ जाए जल्दी तो बढ़िया। 200 लिया यार थोड़ा एक किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ गया भाई। उधर नागले की टाइम इतना ट्रैफिक हो रहा था और प्लस यहाँ पे भी ट्रैफिक हो रहा था फ्लाइवर पे, थोड़ा टाइम लगा दिया एक पास डिलीवरी करने में था 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर हो गया भाई। भाई दे दिया हमने पार्सल करते हैं टिप एंड बढ़िया बच्चा यहाँ से अराउंड 300-350 242-194 रुपए मिले भाई। कार तो बहुत लिया 48। जब ओवर साइज की बात आती है तब तो चुप हो जाते हैं, कान में चीन लेके अपने बाकी समझ जाओ बाकी देखते अब क्या भाई। 12:42 लो दोस्तों, बात करते ही भाई आपसे वार्तालाप खत्म करी थी कि भाई एक बजिया हमारा को गुड़गावा 58,513 रुपए का है भाई। पार्सल मन मुताबिक निकले या फिर वो निकले तो एक्स्ट्रा बढ़ाऊ, एक्स्ट्रा बढ़ाए तो कस्टमर मान जाए। बस देखते हैं क्या है पार्सल में। कोई नहीं था यहाँ पे मेरे को ही मिला, असल मेन रोड से फिर बाहर निकलना पड़ेगा आगे होते हुए गुरुद्वारा के पास। लोकेशन तो गुरुद्वारा लग रहा था यार, लोकेशन गलत है मेरे को लग ही रहा था गुरुद्वारा में सिरसापुर गुरुद्वारा मनचंदा घाट। हेलो ये सब लोकेशन पे तो आ गया, एक गुरुद्वारा है भाई फ्लोर पे है। एक बात तो बची सर ने बोला था वो डॉक्यूमेंट्स है ना, डॉक्यूमेंट्स है तो पहले देख लेते हैं क्या है डॉक्यूमेंट। यही फ्लोर था ना कि इसके ऊपर भी है। अच्छा अच्छा प्रीति देवी नाम है ना, ठीक है कितने डालना है ठीक है। पार्सल ओवर साइज तो नहीं है ना। अच्छा नहीं बहुत से लोग कर देते हैं ना, हाँ वही तो कैंसिल भी कर दूंगा। हाँ इंस्टा पे भी है, इंस्टा है विकास कुमार 63। दे देना पेमेंट वही करेंगे ना। हाँ वो तो है ठीक है थैंक यू। तो लो भाई हमें मिल गया है पार्सल बहुत बढ़िया है ना। अब यहाँ से हम करते हैं ओ भाई फिर मत मेहनत कर भाई, किसी की मेहनत का एनवेलप तो गिरेगा वायर नुकसान करो की करते हैं स्टार्ट। हाँ यहाँ से लो भाई जी चेक करना क्या एक ही है दो है ठीक है
धन्यवाद। हाँ भाई, तो मतलब सेक्टर 58 बोला था ना, ससुराल जी मरवाएगा। घुमा के क्यों जाऊंगा यार, 52 इधर से 54 सीधा सीधा देख लूंगा। आज तगड़ा बढ़ गया, 52 है घाटा के पास। 59 ठीक है, कोई बात नहीं भाई, 2 घंटे का टाइम है। पार्सल काटो रोनी सेक्टर 38 ले लो भाई। यार काम चलो भाई मिलते हैं। एक बज के एक ही बज गया, एक क्या बजेगा, ये लिया हमने इसको। यहाँ से कौन से है लोकेशन कहाँ हो जाता है बात, आपका भाई इधर फिर हो जाता है तो भाई सेक्टर 38। हाँ मैडम, 2 मिनट तो रुक जाएंगे, 2 से 5 नहीं करते ना बस। बात तो सही है। आपने डाल रखा है क्या? नहीं ना, कंफर्म पिकअप। अच्छा सुनो, हाँ जाने के बाद इसका जो वो आएगा बिल, हाँ वो आप मुझे कॉल कर लेना, उनसे नहीं लेना। तो आप मेरा नंबर ले लो, क्योंकि इसमें तो कंपनी का नंबर होता है। फिर आप मेरा नंबर मुझे कॉल कर लेना। हाँ दो आप नंबर दो अपना, 8800 ओ, फिर मुझे कंपनी अलग से देगी शायद। नहीं मैं पहुंच जाऊंगा, आपको कॉल कर दूंगा तभी दे देना आप, ठीक है। तो ये तो रहेगा कि हाँ चलो मेरा पार्सल मिल जाए तो ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू। हाँ मैं आपको कॉल कर देता हूँ। 15 किलोमीटर भाई, लोकेशन सही जा रहा है। 15 किलोमीटर भाई, 40 मिनट दिखा रहा है और उनको अच्छा नहीं दिखाया था। ये क्या बात हुई, कंपनी अलग से भेजने का पेमेंट फोन वगैरह होगा है ना, ये पैसा मिल गया हमने। चलो भाई पैसा तो बात करते। तो दोस्तों हो गया हमारा डिलीवरी गुड़गावा का, 3:40 है, डोर पे देना पड़ गया, इसलिए टाइम लग गया यार। ये देख लो, ₹22 वेटिंग चार्ज मिला, कैश कलेक्शन नहीं हुआ था अभी तक, ₹534 का अमाउंट बना भाई। क्या बताएं, एक बजा भी था 122 का, अरे यार 122 का तो कैंसिल भी हो गया भाई। अगले को मैं क्यों वेट करता, बहुत ज्यादा ही लेट हो गया था। मैडम ने बोला पहले हम दे फिर बाद में बोलती है भैया कोई और देगा, वो जहाँ से लाया वही देगा। यहाँ से बाहर निकलने के लिए भाई कोई बताएगा ना, मिला ये भी तो, ये देखो एरर आ गया। अभी ₹22 तो जुड़े भाई वेटिंग के, खड़े होने पे भी तो नंबर नहीं लगा था, नंबर भूल गया मैं, ये जाने था वो तो। अच्छा होगा मैं रिकॉर्डिंग रखता हूँ एनी टाइम भाई। ₹427 मिले भाई, एक मिनट में रखिए छोटेपुर के लिए किलोमीटर, मगर अमाउंट भाई साहब ₹135 किस किलोमीटर का, ₹135 कहाँ जाएंगे भाई हम, किधर जाएंगे कुछ पता भी है? दुर्गा भाई मैं तो सोच रहा था ओला ले लूँ, ओला का तो 20,000 थोड़ा बहुत रेट सही भी है। अभी जैसे कि 13 किलोमीटर था, 100 रुपये का था भाई, कम से कम एटलीस्ट कुछ तो था। और उसका तो वही गिर गया यार, क्या क्या मिलेगा भाई, मिलेगा कौन भाई। 2 किलोमीटर दिखा रहा था, मीटर लेके मिल गया भाई, भारी खड़ा हुआ। क्या नाम है? अरे नहीं मैडम, ऐसे तो लोकेशन आपका यहाँ दिखाया ना इसलिए। आगे मैडम क्या बताया मैडम? 9121 कोई बात नहीं, छतरपुर
कितने किलोमीटर है, 21 किलोमीटर 48 मिनट। बाकी सबको बंद करो। ले लो मैडम, ले आना तो। अच्छा चेक करो। कितना दे रहा भाई, हो जाए अपडेट। 132, 6.5 रुपया। भाई वापिस जा ही रहा था मैं, ठीक है, मैदान गड़ी घोड़ से। मैं बोल ही रहा था कि गुड़गावा मिल जाए यार। मैंने ये क्या था, तो इस टाइम तो गुड़गावा भी चला जाऊंगा, तो भाई गुड़गावा मिल चुका है। कहाँ के लिए? सेक्टर 10A 188 का अमाउंट है भाई, दिल्ली से है, 188 का अमाउंट है। आगे चलो ले लो भाई सेक्टर 10A, देखेंगे नसीब चमकेगा तो कुछ और। 1.2 किलोमीटर का डिस्टेंस था कस्टमर का, और 5 मिनट दिखा उस टाइम, 7 मिनट दिखा रहा था, अभी 5 मिनट दिखा रहा भाई। यही थी, इसको कहाँ के लेके जाऊंगा मैं, तो मर जाता मैं भाई साहब। बचा लिया तूने, ये डॉन फिर मेरी आवाज ऐड कर देती भाई, इसको कैंसिल करना पड़ेगा भाई। क्या करे इसको, इतना वेटिंग टाइम रहे दोस्तों। वेट करने के बाद भाई दोबारा बजी है 288 की, ठीक है, गिरी है चाणक्य टाइप की, ठीक है। मगर भाई रैपिडो में एक नया अपडेट है, आप कैंसिल आप खुद कर सकते हैं, बट वो भी आपका पर्सनल रीजन दे रखा हुआ था यार, कैसे लोग हैं। इसमें वो निकालना चाहिए ना कि रैपिडो में इतना कर दे चलो बहुत बढ़िया, नहीं ये तो करना चाहिए ना कि कस्टमर का ओवर साइज है, ओवर वेट है, जो कैंसिल करते हैं ना वो चले जाते हैं। इंसान हमारे पार्टनर बच जाते ना, जो तक कैंसिल करते हैं कैंसिल की नहीं तो मैं ठीक नहीं तो मैं तो घर को लगते हैं। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, थोड़ा सा और सुधार करना चाहिए भाई, वो भी इतना ही था। मैंने इससे पहले इस लोकेशन पे पहुंचने से पहले बोल दिया भाई पार्सल क्या है, तो भैया चार बुक है, चार बुक करे हो तो चल जाएगा मेरे को। चार रुपये बढ़ा क्या खाया, तो चार रुपये बिल्कुल नहीं है, फर्स्ट फ्लोर तक ही अलाउड होता है वैसे तो। हालत तो हमारी खराब होती है ना चढ़ के। अरे बाप रे, थैला टांग लेंगे कहाँ का भाई, एक ही साइड की है, 40 किलोमीटर की है। अरे भाग यहाँ से, कौन जाएगा तेरा फेस थ्री आठ, ठीक है, ठीक है सर, दे रहा हूँ मैं, थैंक यू। बस हाँ ये चार ही बुक, लो भाई हो गया पूरा जो रिटर्न हमारा एंड ऑफ ट्रिप। सात भाई 20 रुपये ऑनलाइन पेमेंट आ चुकी है, इसमें ऊपर बुलाया इसको एक स्टार दिमाग लगा सकते थे, मुझे दिमाग लगा ही नहीं ना इसने, हमारा दिमाग खराब करते हो, मेरा सस्पेंड हो गया। तो तेरे भाई रिचार्ज तो कर रहा हूँ मैं, मना थोड़ी कर रहा हूँ, ये ले 205 रुपये रिचार्ज कर दिया। तेरी दादी थी 851 और 300 उसमें, तो 1151 है भाई, फिर बची, वैसे बची भाई, अब बची भाई, 7 बज चुके हैं, देखते हैं अब क्या अपडेट होता है। नई ताजी खबर भाई, उत्तम नगर में इतना जाम रहता है भाई, कहते हैं वहाँ तो भाई बैठे बैठे हो गए देर, हमने सोचा चलेंगे थोड़ा लंबा, मगर किस्मत को यही मंजूर था कि भाई रेलवे तेरा आज तक था, ठीक है, अब चुपचाप से घर पे निकल लो, अब नजदीक आए भाई, घर घर की 5 किलोमीटर है, लगा तो ना भाई घर चलते हैं, 15 मिनट लगे वहाँ तक, जान में फंसे फंसे हो गए। आप रोल तो अच्छी चली, ट्रेन भी अच्छी चली, किस्मत में उसका साथ दिया, ठीक है भाई, जो साथ दिया अच्छा ही हुआ। कोई बात टोटल कमाई तो हमारी है, देखो 851 रुपये हैं हमारे टोटल में,
तीन ड्राइवर और रैपिडो में दो, रैपिडो में टोटल जो इनकम हमारी है 300, ठीक है, और ट्रेवल भी है 300, तो हो जाता है 1154। बात करो बाइक कितने चली है, बाइक तो मैंने अपनी राम पैरी को निकाला था, तो राम पैरी के साथ हमारा जो मीटर था वो था करीब 60, और अभी हो रहा है हमारा 198, अराउंड हम मान लेते हैं 150 किलोमीटर। हम जाते भी होते हैं, गाड़ी तो जाना भाई, घर का भी तो देखेंगे ना, 2-3 किलोमीटर रह गए, वो प्लस कर देते हैं तो हमारा रहता है 300 रुपये का पेट्रोल। अब 1100 में से हमने 300 रुपये का पेट्रोल निकाल दिया, बच गया हमारा 854। अब बात करें हमने कितने घंटे काम किया, भाई 11:30 बजे हमने पार्सल उठाया था और हम 7:30 बजे हम घर पहुंच जाएंगे, मतलब 7:30 बजे तो 7:50 हो जाएगा, 7:45 तो नहीं हो गया, तब हम मान लेते 8 घंटे, 10-12 मिनट के भी उठा जाते ना भाई, 8 घंटे में जो हमने करवाया है 854 रुपये, मतलब पर घंटे एवरेज चल रहा है हमारा 100 रुपये से 13,000 फॉल। कोई बात बता दो भाई, मेरी किस्मत में क्या लिखा लिखा हुआ है कि एक दिन बढ़िया एक दिन बेकार, एक दिन बढ़िया एक दिन बेकार, यही समझ में आ रहा मुझे यार, बिल्कुल आज देखो सही लगे तेरे साथ, कल समझ आ रहे, कल का कल देखेंगे कल क्या होता हमारे साथ, अच्छा होता है बुरा होता है क्या होता है, बढ़िया कमाई होती है, मीडियम होती है, लाइन होती है, जो भी हो लाइन वो आज की उनका हमारे 8 घंटे में आपको क्या होता, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू वॉचिंग, बाय।